हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है सबके। तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं सिमल, अरे नहीं 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 मनीषा के बारे में। सिमल के बारे में हमने तो बहुत बातें की, अब थोड़ा मनीषा के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए संजीव प्रजापति ने बोला था, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ टॉपिक्स को बताने के। वैसे तो भाई लोग, आपको बताने की जरूरत नहीं है, इनका नाम है सिमल और इनका नाम है मनीषा। बहुत पहले ये दोनों लोग टिकटॉक पर मिलकर वीडियो बनाते थे। जब टिकटॉक बैन हो गया तो उसके बाद ये दोनों लोग इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते और थे। इनके वीडियो इतने ज्यादा हॉट होते थे कि पूछिए। लोग यूट्यूब पर भी आ गए ब्लॉगिंग कर। हाँ, बोलेगी कि नहीं बोलेगी, फिर इज्जत गवा के आना होगा। इज्जत गवाना मेरा काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो सिमल ने सोचा कि कुछ अलग किया जाए ताकि और व्यूज आए। तो इन दोनों लोगों ने एक वीडियो बनाया जिसमें यह बोल रहे थे कि हम दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन ये लोग शादी नहीं किए थे, वो फेक वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं एक वीडियो में मैं लगाई हूँ, ठीक है। तो सबको सोच रहे की मैं शादी क्यूँ। तो भाई लोग, मैं आपको बता दूँ की मनीषा की भी शादी नहीं हुई है। मनीषा के साथ जो लड़का रहता है उसका नाम है रोहित, वो उसका पति नहीं है। मैं तेरी रानी राजा तू, आई लव यू। सिमल हमेशा यह बोलता रहता है कि उसकी मनीषा से शादी हुई है, पर यह गलत बात है, उसकी मनीषा से शादी नहीं हुई है, ये दोनों लोग फेक वीडियो बनाए। तो भाई लोग, वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और सिमल को जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो वैसे मनीषा को भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।